दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप सरकारी बॉन्ड में सीधे निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि एफडी और आरडी में निवेश करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप चाहते हैं कि बैंकों से जुड़ी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान हो, तब आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट के दौरान होने वाली दिक्कतों का जल्द से जल्द समाधान मिले, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे बैंक के ग्राहक हैं जहां पर चेक सीटीएस नहीं है, तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आरबीआई ने 3 दिनों की जो बैठक की थी, 3 फरवरी 2021 से लेकर के 5 फरवरी 2021 के दौरान, उस दौरान सिर्फ प्रमुख दरों का जस का तस नहीं रखा है, बल्कि कई ऐसी घोषणाएं भी की हैं जिससे रिटेल निवेशकों को, खास करके वैसे निवेशक जो एफडी और आरडी जैसे सुरक्षित निवेश साधनों में पैसे लगाते हैं, उनको फायदा पहुंचेगा, या फिर जो अपने बैंकों से जुड़ी दिक्कतों से परेशान हैं उनको फायदा पहुंचेगा, या फिर जो डिजिटल पेमेंट करते हैं और काफी दिक्कत आती है उनको फायदा पहुंचेगा। तो चलिए सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि अब रिटेल निवेशक आरबीआई के साथ सीधे गिल्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकते हैं और सरकारी बॉन्ड में सीधे खरीद फरोख्त कर सकते हैं, जैसे कि बैंकों में एफडी या आरडी में निवेश करते हैं। आरबीआई ने कहा है कि इससे बॉन्ड में निवेश करने वाले रिटेल निवेशकों को फायदा पहुंचेगा। अभी अगर आप सरकारी बॉन्ड में निवेश करना चाहेंगे तो आपको इसके लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और शेयर बाजार से इसकी खरीद बिक्री करनी पड़ेगी, लेकिन अब सीधे आप सरकारी बॉन्ड में पैसे लगा सकते हैं और जो ये अकाउंट खोला जाएगा गिल्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसको रिटेल डायरेक्ट के नाम से जाना जाएगा और ये आरबीआई में खोला जाएगा। आपको बता दूं कि आरबीआई में अभी आप कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, लेकिन सरकारी बॉन्ड में निवेश करने के लिए रिटेल डायरेक्ट के नाम से आरबीआई में अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन ये इसकी सुविधा कब तक मिलेगी इस बारे में अभी आरबीआई ने कुछ साफ साफ नहीं बताया है। उसने कहा है इसके बारे में डिटेल्स जो गाइडलाइंस आएगी वो बाद में जारी किया जाएगा। यानी एक तरह से अच्छी खबर है, काफी लंबे समय से जो रिटेल निवेशक है वो सीधे सीधे एफडी और आरडी की तरह ही सरकारी बॉन्ड में निवेश करके उसका फायदा उठाना चाह रहे थे, तो ये अच्छी खबर है। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि डिजिटल पेमेंट का जमाना है, लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, है ना, भीम एप्स, या फिर किसी अपने जो बैंक है उसके मोबाइल बैंकिंग से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कई दिक्कतें भी आ रही है और इसका दुरुपयोग भी आ रहा है, दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो डिजिटल पेमेंट करते हैं उन लोगों को जो दिक्कत होती है उसके बारे में कोई हेल्पलाइन नहीं है, जैसे कि कई बैंकों के हेल्पलाइन नंबर है कि कुछ होता है तो तुरंत बैंक में कॉल करते हैं और जानकारी ले लेते हैं, वैसे ही डिजिटल पेमेंट के लिए ऐसा कोई 24/7 हेल्पलाइन नहीं है। तो आरबीआई ने 24/7 हेल्पलाइन जारी करने की घोषणा की है, जो अभी 2-3 तारीख से 5 तारीख तक जो बैठक हुई है उसमें, इस दौरान डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई जो शिकायत है उसके बारे में सवाल जवाब आप कर सकते हैं और उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं 24/7 हेल्पलाइन नंबर से। तो इस बारे में जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा आरबीआई, आरबीआई ने इसकी जानकारी दी है अपनी वेबसाइट पर। तीसरी जो अच्छी खबर है बैंक से जुड़े हुए ग्राहकों के लिए, या फिर एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ग्राहकों के लिए, या फिर जो प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल करते हैं यानी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, कि अभी क्या है कि अभी 3 अलग अलग ओम्बस्टमैन होते हैं, बैंकों के लिए अलग होते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अलग होते हैं ओम्बस्टमैन, और प्रीपेड कार्ड्स के लिए अलग होते हैं, यानी प्रीपेड कार्ड इशू करने वाले संस्थानों के लिए अलग होते हैं ओम्बस्टमैन। ओम्बस्टमैन में आप शिकायत कर सकते हैं जहां पर आपको समाधान मिलेगा, एक तरह से ये मध्यस्थता करता है ओम्बड्समैन ग्राहकों और बैंकों के बीच में, या फिर एनबीएफसी और ग्राहकों के बीच में शिकायतों को लेकर के। तो 3-3 ओम्बड्समैन है अभी, लेकिन अब एक ही ओम्बड्समैन ये जो है शिकायत सुनेगा, जिससे क्या होगा कि जो
इनसे जो जुड़ी हुई शिकायतें उसका निपटारा जल्द से जल्द हो सकता है। आपको बता दूं कि ओम्बड्समैन किस किस तरह की शिकायत सुनता है, तो चेक, ड्राफ्ट, बिल इत्यादि के पेमेंट या कलेक्शन में बेवजह की देरी पर जो शिकायत है उसकी सुनता है। छोटे मूल्य के नोटों को स्वीकार न करने से जुड़ी हुई शिकायत सुनता है। रेमिटेंस के पेमेंट में विलंब या इसे रोकने से संबंधित शिकायत को सुनता है। रेमिटेंस मतलब आप यहां से विदेश में पैसे भेज रहे हैं या फिर विदेश से आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो उस दौरान जो देरी होती है उसे रोकने देरी होती है या फिर उसे जो रोका जाता है उसके संबंध में शिकायत सुनता है ओम्बड्समैन। ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स या बैंकर्स चेक जारी करने में देरी या इसमें विफल रहने के संबंध में जो शिकायत आती है उसकी सुनवाई करता है। वादे के मुताबिक बैंकिंग सेवाओं जैसे कि लोन या एडवांस के अलावे को देने में विलंब या असमर्थता के संबंध में जो शिकायत होती है उसकी सुनवाई करता है। बिना ठोस कारण के डिपॉजिट अकाउंट बनाने से मना करने की सुनवाई करता है। मोबाइल बैंकिंग के संदर्भ में आरबीआई के निर्देशों को नहीं मानने के संबंध में जो शिकायत होती है उसकी सुनवाई करता है। बिना नोटिस डिपॉजिट अकाउंट बंद कर देने के संबंध में शिकायत की सुनवाई करता है ओम्बड्समैन। इसके अलावा रिकवरी एजेंटों की सेवाएं लेने में आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करने पर सुनवाई करता है ओम्बड्समैन। लेकिन ओम्बड्समैन के पास जाने से पहले आपको पहले बैंक जिस बैंक से आपकी शिकायत है वहां पर आपको शिकायत करनी होगी, वहां से क्या जवाब मिलता है या फिर वहां पर क्या फैसला होता है, उसके बाद ही आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। तो इस तरह से ये अच्छी खबर है। एक और अच्छी खबर यह है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम के दायरे में और 18,000 बैंक शाखाएं आएंगे। अभी 1.5 लाख बैंक शाखाएं जो है चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी CTS, आप जब चेक का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो देखिएगा जो CTS रहता है उस पर CTS लिखा जाता है। तो CTS जो चेक रहता है उसका फायदा ये होता है कि चेक जो है जल्द से जल्द कैश हो जाता है और इसका दुरुपयोग कम से कम होता है। जो दूसरे तरह के जो चेक होते हैं उसमें क्या होता है कि चेक को फिजिकल अदाकर्ता बैंक के पास भेजा जाता है तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, और जो CTS चेक होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक का डिटेल्स अदाकर्ता बैंक के पास भेजा जाता है जिससे कम समय लगता है और इसका दुरुपयोग भी रुका जा सकता है। तो 1.5 लाख बैंक शाखाओं में अभी CTS चेक इस्तेमाल किया जा रहा है। अब RBI ने कहा है कि 18,000 और बैंक शाखाओं में CTS चेक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से जो CTS चेक का इस्तेमाल है वो 2010 से हो रहा है और काफी आसान हो गया है चेक से पेमेंट करना CTS के आने के बाद से। तो इस तरह से RBI ने काफी अच्छी खबर दी है बैंक ग्राहकों को या फिर जो सरकारी बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं रिटेल निवेशक उनको। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।